कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टी फिशिंग टैक। आज हम बात करेंगे सी स्पाइडर के बारे में, जो ज़मीन पर जैसे मक्खियाँ होती हैं उसी तरह से समंदर में भी होती हैं। तो आज इसी के बारे में वीडियो है, वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे तो आपने बहुत सारी मक्खियाँ देखी होंगी, घर में हो या बाहर अपने बगीचे में हो या जंगल में या कहीं पर घूमने जाते हैं तब। लेकिन जब साइंसदानों ने अंटार्कटिका में जब बर्फ़ के पहाड़ों को जब खंदोला गया तो उनको एक अजीब सी चीज़ देखने मिली जिसे हम सी स्पाइडर कहते हैं। जब ये मकड़ी साइंसदानों की नज़र में पड़ी तो इनके लिए एक अजूबे से कम नहीं था, क्योंकि ऐसी बर्फानी जगहों पर कोई जानदार मिलना जबकि एक सी स्पाइडर हो तो बहुत ही कमाल की बात है। जानकारी के लिए बताता चलूँ, ये सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं बल्कि शुमाली समंदर बाहरे रोम और कैरिबियन सी भी पाए जाते हैं और ये लगभग 2000 मीटर गहराइयों में पाए जाते हैं। हमारी आम बोट वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन के बराबर है और इसके जिस्म की हरकत को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दौराना खून और इसके जिस्म की हरकत यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी बहुत सारी किस्में भी होती हैं और इसके अलग अलग कलर भी होते हैं और अलग अलग सूरत के भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसकी गिज़ा की बात करेंगे तो छोटे छोटे जो ज़र्रात होते हैं, जो जानदार होते हैं, उसे ये खा लेते हैं और एनिमम्स और स्पंज होते हैं। साइंसदानों का कहना है कि एक जवान मकड़ी की टांगें जो होती हैं वो आधे मीटर तक लंबी हो सकती हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मकड़ा जो समंदरी सी स्पाइडर होता है वो कितना बड़ा हो सकता है। इन समंदरी मकड़ों की चलने की जो रफ्तार होती है वो आम मकड़ियों से बहुत ही आहिस्ता होती है, स्लो होती है। बस आज के लिए यही था दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।